हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य बनाने के नियम, पहचान और उदाहरण सब साथ में सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान जान लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? तो जिन वाक्यों के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, वो क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे मनोज पुस्तक पढ़ता है। देखिए यहाँ पर पढ़ने का काम किया जा रहा है और लास्ट में क्या आ गया? ता है। मुख्य क्रिया के साथ में जुड़ा हुआ है ता। तो यहाँ से पता चलता है कि यह जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक, ये हमारी पहचान हुई। अब इसको बनाने का नियम समझते हैं। तो इनमें बनाने का नियम हम तीन चार वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये वीडियो में सीखेंगे सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य क्या होते हैं? जिनमें ना तो नकारात्मक वाक्य शब्द आया हो और ना प्रश्नवाचक शब्द आया हो। जैसे क्या, क्यों, कैसी, कौन सा, है ना? तो वो होते हैं प्रश्नवाचक, और नहीं शब्द आ जाए तो होता है नकारात्मक। तो ये सिंपल है, यानी कि सकारात्मक। इसमें ना तो नहीं शब्द आया है और ना कोई प्रश्नवाचक शब्द आया है ना। तो इसको बनाने का नियम हम पहले सीखते हैं। नियम नंबर एक, यदि कर्ता एक वचन हो तो मुख्य क्रिया की अंग्रेजी में एस या ई एस लगा देते हैं। ठीक, नियम नंबर एक हो गया। और नियम नंबर दो हमारा क्या है? यदि कर्ता बहुवचन हो तो मुख्य क्रिया में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। अब देखिए ये दो नियम हो गए। अब आप लोग कह रहे होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू या डज होती है। तो दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू या डज होती है, लेकिन आपको सकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि सकारात्मक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। ठीक, सकारात्मक वाक्य सिर्फ एस या ईएस से ही बनाए जाते हैं। नकारात्मक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है और सकारात्मक वाक्यों में नहीं किया जाता। चलिए अब हम आपको थोड़ा सा जोड़ने का मेथड बता देते हैं, जिसको हम एक प्रकार से फार्मूला या सेटिंग कह सकते हैं। तो यहाँ पर जोड़ने का तरीका क्या होता है, हम लिख सकते हैं इसको फार्मूला। इसको हम फार्मूला लिख देते हैं। कैसे कैसे हम वाक्यों को जोड़ेंगे? सबसे पहले हम जोड़ते हैं कर्ता। कर्ता क्या होता है? वाक्य में जिसके द्वारा कार्य किया जाता है उसको कर्ता कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया किसे कहते हैं? जो कार्य होता है उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। अभी हम आपको एक वाक्य देंगे, उसमें हम पहचान कराएंगे। फिर अगर एस या ई, अगर एक वचन है तो एस या ई एस। ठीक, ई एस या एस। अब आप लोग पूछेंगे एस कब लगता है और ई एस कब लगता है, तो ये भी हम आपको बता देंगे। फिर कर्म। कर्म का मतलब होता है जो ऑब्जेक्ट दिया होता है। उसके बाद अदर वर्ड, अन्य शब्द। अब देखिए एक उदाहरण दिया गया है, मनोज पुस्तक पढ़ता है। तो इसका ट्रांसलेशन हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान से समझिए। देखिए कौन पुस्तक पढ़ता है, तो आया नाम मनोज। तो जिस के द्वारा कार्य किया जाता है वो कर्ता होता है। तो यहाँ पर मनोज कर्ता है, तो हम कर्ता की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? मनोज, एम ए एन ओ जे, ये हो गया कर्ता। इसके बाद हमको क्या लिखना है? मुख्य क्रिया। अब देखिए
क्या कार्य हो रहा है, इस वाक्य में कार्य क्या हो रहा है, पढ़ने का कार्य हो रहा है, यानी कि पढ़ता है, तो रीड मीन्स पढ़ना होता है, आर ई ए डी। अब आप लोग थोड़ा सा गौर कीजिए, हमने दो नियम लिखाए हैं, अगर कर्ता एक वचन है तो मुख्य क्रिया में एस या ईएस लगाते हैं, है ना। तो कर्ता क्या है यहाँ पर, मनोज अकेले है ना, तो यहाँ पर एक वचन है इसलिए यहाँ पर एस लगा देंगे। अब आप लोग पूछे रहे होंगे एस और ईएस कब लगता है, तो मैं आपको बता देता हूं, अगर वाक्य में कहीं पर, ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं रफली आपको बता देता हूं, वाक्य में कहीं पर एच बाद में आए और एस बाद में आए, ओ बाद में आए, एस एच ओ, ये तीन चार वर्ड हैं, अगर ये बाद में आ जाएं तो वहां पर ई एस लगाते हैं, अन्य जगहों पर केवल एस लगाते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा आप लोगों को, अगर आ जाए एस आ जाए या फिर एच आ जाए या ओ आ जाए तो वहां पर ई एस लगाते हैं, अन्य शर्तों पर एस ई लगाते हैं। अब आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, मनोज रीड्स और इसके बाद कर्म, कर्म का मतलब जो भी ऑब्जेक्ट दिया रहता है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, पुस्तक, तो पुस्तक की अंग्रेजी होती है बुक, बी डबल ओ के। अब देखिए अन्य शब्द में कुछ भी नहीं बचा है तो यही हमारा ट्रांसलेशन हो जाएगा, है ना, बिल्कुल सरल ट्रांसलेशन। अगर आप लोगों ने नियम पढ़ रखा होगा तो बहुत ही आसान तरीके से इसको कर लेंगे। अब हम आपको और कई उदाहरण बताते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके, यहाँ पर हम उदाहरण लिख देते हैं। तो हमारे सामने ये उदाहरण हैं और इस सूत्र को आप जरूर लिख लीजिएगा, इस ये सूत्र से मेन काम होगा, ये जो फार्मूला दिया गया है इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लें। ठीक, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तुम कविता लिखते हो, तुम की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, यू, और तुम को हम बहुवचन में लिखते हैं तो बहुवचन हो गया कर्ता, और अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया क्या है, लिखना, तो लिखना की अंग्रेजी होती है डब्ल्यू आर आई टी ई। अब देखिए यहाँ पर एस या ई एस लगेगा या नहीं लगेगा, ये कर्ता से डिसाइड होगा, अगर कर्ता बहुवचन है तो यहाँ पर एस या ई एस नहीं लगाएंगे, तो तुम एक बहुवचन कर्ता है इसलिए यहाँ पर नहीं लिखेंगे एस या ई एस। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, कविता, तो लिखेंगे आ पोएम, पी ओ ई एम, है ना, ए पोएम क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक छुपा रहता है, तुम एक कविता लिखते हो, यू राइट ए पोएम, ये हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन। धोबी कपड़े धोता है तो लिखेंगे द वॉशरमैन, डब्ल्यू ए एस एच ई आर एम ए एन, ये हो गया धोबी की अंग्रेजी, द वॉशरमैन। ठीक, इसके बाद धोना, धोना की अंग्रेजी होती है वाश, डब्ल्यू ए एस एच, वाश, और इसके बाद हम देखेंगे कि कर्ता एक वचन है या बहुवचन है, तो ये कर्ता धोबी एक वचन है इसलिए इसमें मुख्य क्रिया में ई एस जोड़ देंगे। अब ई एस क्यों लगा है, एस क्यों नहीं लगा, तो हमने अभी बताया था कि अगर वाक्य में लास्ट वाला जो ये हेल्पिंग वर्ब होता है उसका लास्ट वाला अक्षर एच हो या फिर ओ हो या फिर एस हो तो उसके बाद ई एस ही लगाते हैं। ठीक, द वॉशरमैन वॉशेज, और कपड़े की अंग्रेजी होती है क्लॉथ्स, सी एल ओ टी एच एच, क्लॉथ्स, बहुत सारे कपड़े हैं, है ना। इसके बाद मीरा वीड़ा बजाती है तो लिखेंगे मीरा, अब देखिए बजाना की अंग्रेजी तो होती है रिंग, लेकिन जब वीड़ा या वायलिन या फिर सरोद इस तरह के यंत्र होते हैं तो उनमें बजाना की अंग्रेजी प्ले लिखते हैं, पी एल ए वाई, और यहाँ पर मीरा एक वचन है तो इसमें एस लिख देंगे, प्लेज, मुख्य क्रिया में एस लगा दिया। इसके बाद वीड़ा की अंग्रेजी होती है वीड़ा, तो यहाँ पर लिखेंगे वीना, वीना, है ना, मीरा प्ले वीना, और ये वीड़ा की अंग्रेजी वीना लिखी हुई है। ठीक, वे तालाब में नहाते हैं तो वे की अंग्रेजी होती है दे, टी एच ई वाई, दे, और नहाना की अंग्रेजी होती है बी ए टी एच, बी ए टी एच। अब देखिए हमने कर्ता लिख दिया और मुख्य क्रिया लिख दी, अब हमारी बारी है एस या ई एस लिखने की, तो यहाँ पर एस या ई एस लिखेंगे या नहीं लिखेंगे कैसे पता होगा, तो मुख्य क्रिया अगर कर्ता
एक वचन है तो मुख्य क्रिया में एस ई एस लगाते हैं, अगर बहुवचन है तो नहीं लगाते हैं, तो नहीं लगाएंगे यहां पर क्योंकि वे बहुवचन है। अब तालाब में अंग्रेजी बची है तो लिखेंगे इन द पौंड, पौंड मीन्स तालाब, इन द पौंड का मतलब होता है तालाब में। ठीक, अगला हमारा है राम आम खाता है, लिखेंगे राम ई ए टी, मुख्य क्रिया क्या हो गई ईट, और इसमें एस लगा देंगे क्योंकि राम एक वचन है तो मुख्य क्रिया में एस लग जाएगा, है ना। और आम की अंग्रेजी होती है मैंगो, ये इस प्रकार आ जाता है, ट्रांसलेशन हो जाता है। अब हम आपको एक ट्रांसलेशन बोलते हैं, आपको इसको कमेंट में बताना है, मोहन गाना गाता है, मोहन ये गाना लिखा है यहाँ पर, गाना गाता है। ठीक, मोहन गाना गाता है, इसका ट्रांसलेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। और अब हम आपको अगली वीडियो में सिखाएंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम उदाहरण के साथ में। तो दोस्तों अगर आपको जो भी वीडियो देखना हुआ करे तो आप लोग YouTube में क्या सर्च किया कीजिएगा, जैसे आपको देखना है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखना है तो आप लिखेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस और उसके बाद में लिख देंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब बाद में अगर हमारे चैनल का नाम लिख देंगे तो हमारा वीडियो सबसे ऊपर आ जाएगा। ठीक, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंग्लिश ग्रामर स्टेज, इतना बोल दिया कीजिएगा तो सबसे ऊपर हमारा वीडियो आ जाएगा। और हिंदी मीडियम के छात्रों को हम बहुत अच्छे से ये अंग्रेजी की जो ट्रांसलेशन बनाने के नियम होते हैं बहुत आसान तरीके से सिखाते हैं।